नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरों विस्तार से। ग्वालियर जिला न्यायालय में बुधवार को कांग्रेस विधायक मुन्नालाल गोयल पेश हुए। गोयल ने मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ के खिलाफ मानहानि का दावा किया था, जिसमें मजदूर संगठन ने उन पर फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिलीभगत का आरोप लगाकर व्यक्तिगत लाभ लेने की बात कही थी। दरअसल विगत कई साल पहले कांग्रेस नेता और वर्तमान में विधायक मुन्नालाल गोयल ने मजदूर संघ के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए परिवाद पेश किया था। इस परिवाद में बुधवार को गोयल के बयान दर्ज होने थे, लेकिन कोर्ट ने उनसे कुछ दस्तावेज मांगे, जिन पर उन्होंने कोर्ट से 10 सप्ताह की मांग की। कोर्ट ने उन्हें दस्तावेज पेश करने के लिए समय दे दिया है। अब अगली पेशी पर कांग्रेस विधायक मुन्नालाल गोयल के बयान दर्ज किए जाएंगे। मैं कोर्ट आया था एक यूनियन के मामले में, तारीख थी, ठीक है ना, जिसमें तारीख आगे बढ़ गई है, 12 मई के बाद तारीख लगी है। मेरा एक बयान होना था यूनियन के मामले में, ठीक है, उस संबंध में कोर्ट में आया था। एक मानहानि का मामला था, किसी व्यक्ति ने किसी पेपर में मेरे खिलाफ कोई टिप्पणी की थी, ठीक है ना, उसको लेकर मैंने कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उस संबंध में मेरा बयान होना था, लेकिन आज सामने वाला पक्ष आया नहीं, तो तारीख आगे बढ़ गई है। ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र के नया बाजार स्थित नर्सिंग होम में डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। महिला को डीएनसी के लिए भर्ती कराया गया था। यहाँ आपको बता दें कि महिला रागिनी अग्रवाल को उसके परिजनों ने ब्लीडिंग के चलते भर्ती कराया था। डॉक्टरों के मुताबिक महिला की मौत डीएनसी से पहले ही हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। हालांकि परिजनों ने नर्सिंग होम के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने नर्सिंग होम पहुंचकर महिला के शव को पीएम के लिए भिजवा कर जाँच शुरू कर दी है। मेरी ये वाइफ है रागिनी अग्रवाल। मैं परसों मैंने एक 1.5 महीने की डीएनसी हुई थी इसकी, तो थोड़े से कुछ क्लॉट्स वगैरह रह गए थे, तो मैंने कल मैडम को दिखाया, रत्ना कॉल को, मैंने उनसे कहा मैडम ऐसी कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा ब्लड वगैरह आ रहा है, तो बोले क्लॉट्स वगैरह रह गए मिडेज में, सूज है, तो बोले इसका सफाई हो जाएगी, तो मैंने कहा कर दो भाई। उसके बाद बोले 5 रुपया जमा कर दो, मैंने रुपया जमा कर दिया। बोले एडमिट होना पड़ेगा, तो मैंने एडमिट कर दिया। इन्होंने ये नहीं बताया कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, नॉर्मल डीएनसी तो 1-2 घंटे में हो जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हर कोई फ्री कर देता है 1 घंटे बाद। ये कोई बच्चा था तो नहीं पेट में कि उसमें अपन को डीएनसी करना हो, कुछ कण थे उस बच्चे के। अभी क्या हुआ, अंदर आई, बोले उसका वो डीएनसी करनी है। अंदर अच्छी वाली बोलती, खाती हुई पीती हुई, सब अच्छी तरह से गई। अंदर गई, बोले सीएस डैक, बोले उसको हार्ट अटैक आ गया। कैसे हार्ट अटैक आ गया? अच्छे वाले आदमी को हार्ट अटैक कैसे आ जाएगा, आप बताइए। आप मैं नॉर्मल कितना पैसा जमा किया था? हमने इनको 5000 रुपये जमा किया था अभी, और बोले और भी पैसे आपको जमा करना पड़ेंगे। रागिनी अग्रवाल भर्ती हुई थी, ये इसको 1.5 महीने पहले वहाँ कहीं बाहर डीएनसी हुई थी, 3 महीने की डीएनसी हुई थी, तो उसमें पेशी छूट गए थे हड्डी के अंदर, 3.25 महीने की थी। तो ये क्यों कराई थी इसने सफाई, कुछ अपने को बताया नहीं, उसने कराई थी, लेकिन उसने हड्डी का पीस था, तब से उसको अभी तक ब्लीडिंग बराबर हो रही है, एनीमो को इसका अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें आ गए हड्डी के पीस, और ये जो उसको ब्लॉट्स जमा ब्लॉट्स वो जमा है, तो वो निकाल। तो जैसे जिसका उसको अंदर लगाने की कोशिश थी, इस एकदम से इसका सांस इतनी लंबी ली, हमने कहा क्या हो गया इसको, देखा तो सडन ट्रैक कर, मतलब हार्ट एकदम बंद हो गया। तो हमने ट्यूब डाली, ऑक्सीजन लगाई, सब चीज़ें इंजेक्शन लगाया, सब कुछ ट्राई किया। परिजनों का कहना है कोई लापरवाही हुई है इसमें, अगर आप इसमें लापरवाही मानते तो क्या कर सकते हैं? देखिए, मुझे अभी पता चला कि कॉल अस्पताल जो नए बाजार में है, उसमें एक महिला की अचानक मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। तो अभी पुलिस यहाँ पे आई है ताकि किसी प्रकार की कोई ऐसी अशांति ना हो, साथ ही साथ जो पीड़ित पक्ष है उसकी भी बात हमने सुनी है, उनके जो बातें हैं उनके आधार पे हम जो विधिवत कार्रवाई होगी, कानून सम्मत कार्रवाई होगी, वो हम लोग करवाएंगे। महिला की हार्ट अटैक से मौत हुई है, डॉक्टर बता रहा कि वो महिला बिल्कुल ठीक आई थी, और जब डीएनसी के मामले में ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा, इसमें हम लोग पोस्टमार्टम करवाते हैं, पोस्टमार्टम के बाद जो है डॉक्टर इसमें अपने एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आखिर वजह क्या रही जिसमें मृत्यु हुई। ग्वालियर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे
विवेक सेजवलकर द्वारा संगठन की मजबूती के लिए विभिन्न विधानसभाओं में संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में पूर्व विधायक विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के लिए उन्होंने मेला परिसर स्थित मंगलम गार्डन में एक कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में जिला अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा ग्वालियर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नारायण कृष्ण सेजवलकर घोषित हो चुके हैं और ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारी चल रही है। उसी निमित्त आज तीनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई है। इसमें अभी ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की बैठक संपन्न हो चुकी है, ग्वालियर पूर्व विधानसभा की है, इसके बाद ग्वालियर विधानसभा की बैठक संपन्न होगी। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी विवेक सेजवलकर जी, हमारे संगठन मंत्री शैलेंद्र बरुआ जी और हमारे चुनाव के संयोजक लोकसभा के अभय चौधरी जी रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्राणपण से जुटकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयश्री दिलाने के लिए अपनी कमर कस चुका है। चुनाव आदर्श आचार संहिता के पालन में पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जीआरपी भी लगातार ट्रेनों में निगाह रखे हुए है, जिससे कि चुनावों के दौरान किसी तरह की धनराशि, जेवरात और नशीले पदार्थों की आवाजाही ही रोकी जा सके। इसी तारतम्य में जीआरपी ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 12 किलो चांदी के साथ एक युवक को दबोचा है। पुलिस ग्वालियर के सराफा बाजार का व्यापारी है और आगरा से चांदी लाकर दतिया में बेचने जा रहा था। आरोपी का नाम सूर्य प्रकाश बताया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। ये मैं एक व्यवसायी हूँ जो जेवरात का करता हूँ और अपनी दुकान कोठारी कॉम्प्लेक्स में से दुकान है मेरी, वहाँ से मैं जेवर चांदी के बने हुए लेके सामान सप्लाई करने जाता हूँ और लेटर पैड था लिखा मेरे पास, लेकिन बिल नहीं थे, इसके कारण मैं दतिया जा रहा। ये करीबन 10 से 12 किलो के आसपास था। ये इंटरसिटी है ना, खुजराव इंटरसिटी, उससे सूर्य प्रकाश कागदी हैं। ये एक्चुअल जैन है, कागदी लिखते हैं। ये डीडवाना उली सराफा बाजार ग्वालियर में इनकी सोने चांदी की दुकान है। ये आज खजुराहो इंटरसिटी एक्सप्रेस से ग्वालियर से दतिया के लिए निकले थे। हमारी SST टीम जो चुनाव आयोग आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए लगातार 24 घंटे यहाँ पर चेकिंग करती हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 4 पर, एग्जिट और एंट्रेंस पर। उस टीम में सब इंस्पेक्टर भिंडिया, प्रधान आरक्षक अजय भारद्वाज, आरक्षक विष्णु शर्मा और उनके साथ 2-3 लोग और थे। इस टीम ने इनको पकड़ा है। इनके पास चांदी के जेवरात जिसमें पायल हैं, करदोनी हैं, बच्चों के कड़े हैं, करीब 12 किलो चांदी के आभूषण इन पर मिले हैं। इनके पास कोई बिल वगैरह भी नहीं है इसका और इनका कहना है कि ये सब सामान मेरा है। थाना प्रभारी BG ग्वालियर अजीत सिंह चौहान ने इस पूरे को जब्त किया है और जो FST टीम जो चुनाव आयोग के निर्देश पर ग्वालियर में काम कर रही है उनको बुला लिया गया है और उनके द्वारा इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर के जिवाजी विश्वविद्यालय में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को दूर करने और रिजल्ट घोषित करने में हो रही देरी के खिलाफ ऑल इंडिया DSO के छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिया। छात्रों का कहना है कि जिस कंपनी को रिजल्ट बनाने का काम दिया गया है उसके द्वारा धांधलेबाजी की जा रही है, ऐसे में कंपनी का अनुबंध खत्म किया जाए और जिवाजी विश्वविद्यालय स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति कर उनसे काम ले। जी, ये जो लगातार जिवाजी विश्वविद्यालय में जो रिजल्ट को लेकर जो लगातार धांधली दिखाई दे रही है कई वर्षों से, और अभी जो BSC का जो रिजल्ट जल गया जो उस रूम में परीक्षा भवन में, और साथ ही साथ कल जो BCOM और BA का जो रिजल्ट आया जिसमें 11,090 छात्र थे, 7,800 छात्रों को केवल पास किया गया, उसके बाद जो छात्र हैं उनका क्या है इसका कोई अभी अता पता नहीं है। तो इन सारे मुद्दों के खिलाफ में ही यहाँ ऑल इंडिया DSO के द्वारा प्रदर्शन किया गया। ये उनकी विद्यार्थियों से संबंधित कुछ समस्याएँ हैं जिसके लिए छात्र यहाँ आए हैं, ज्ञापन हमें दे दिया, हम उच्च अधिकारियों तक उन्हें पहुँचा देंगे और उनका समस्याओं का निराकरण करना। ऐसा नहीं, ऐसी कोई साजिश नहीं थी, वो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो है ना प्रभावित हुआ था, वो सब कंट्रोल में है। उनके रिजल्ट कापियाँ जज चुकी थी वो, और किसी तरह का कोई
नुकसान उसमें नहीं है। इनको जो भी मांगे हैं मैं उच्च अधिकारियों को बता दूंगा और जो भी छात्र हित में होगा उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कर्मचारी निधि संगठन द्वारा हर महीने की 10 तारीख को निधि आपके निकट कार्यक्रम के तहत लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस महीने की 10 तारीख को भी जयेंद्रगंज स्थित भविष्य निधि कार्यालय पर लोक अदालत आयोजित की गई, जहां अंशदाता पेंशनरों की समस्याओं और शिकायतों पर सुनवाई की गई। इसके साथ ही उनके सुझाव भी लिए गए। यहां सहायक भविष्य निधि आयुक्त मुकेश सारस्वत द्वारा लोक अदालत में पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी गई। ये इसलिए लगाई जाती है प्रत्येक माह की 10 तारीख को, जिसमें मेंबर आके अपनी बात कह सकें। और जिनका प्रकरण नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाता एस्टेब्लिशमेंट वगैरह की उसकी कमी की वजह से, तो उसको नोटिस भेजते हैं और जो हमारे पार्ट पर हो सकते हैं यहाँ पे उसका तुरंत निपटा होगा। हाँ लगभग नहीं, अगर 10 तारीख को लोक अदालत में आते हैं तो उनका प्रकरण उसी दिन निपटारा किया जाता है कोशिश करके। और अगर बाहर से डॉट जाते हैं पीआईओ से तो मैं उस विषय में वहाँ पर डायरेक्शन इशू कर दूंगा। अभी दो निपटे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन आईओबी ने उद्भव के सचिव दीपक तोमर को भारत में अपना नेशनल प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। दीपक तोमर को आईओबी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल्ला खलीफा ने गत दिनों शारजहां में हुई वर्ल्ड जनरल असेंबली में यह प्रमाण पत्र वितरित किया। उद्भव संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर केशव पांडे और आईओबी के नव नियुक्त प्रेसिडेंट दीपक तोमर ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आईओबी दुनिया के 162 देशों में कार्य कर रहा है और संगठन द्वारा लोक नृत्य, लोकगीत, हैंडीक्राफ्ट को संरक्षित करने का कार्य किया जाता है। बहुत गौरव की और खुशी की बात है कि हमारी उद्भव संस्था के सेक्रेटरी श्री दीपक तोमर जी, जो एक इंटरनेशनल संस्था आईओबी है फोक डांसेस के लिए और डिफरेंट फील्ड में जो ऐसी काम है जो लुप्त होते जा रहे हैं उनको जीवित बनाए रखने के लिए और उनको और अच्छा करने के लिए काम कर रही है। 186 देश उसके मेंबर हैं। अभी शारजहां में गए थे और 7 दिन की वहाँ मीटिंग करके आए हैं और इनको अपने देश का, भारत का इनको प्रधान उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आने वाले समय में अपने हिंदुस्तान में भी जो फोक डांसेस हैं और जो हैंडीक्राफ्ट्स की कलाएं हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो लुप्त हो रही हैं, लोग भूलते जा रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं जा पा रहा है, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाएगा और ध्यान आकर्षित किया जाएगा और उनको कैसे सहेजा जाए, कैसे ठीक से रखा जाए, वो हमारी जो संस्कृति है वो बहुत बहुमूल्य है, उस पर ध्यान किया जाएगा और उद्भव उसमें अपने पूरे रिसोर्सेज राष्ट्रीय स्तर पर लगाएगी और आने वाले समय में अपने देश में, अपने ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से विभिन्न टीमें भी आएंगी जो अपना प्रदर्शन भी करेंगी और हम लोगों से अपना संबंध बढ़ाएंगी। जीवाजी विश्वविद्यालय में रिजल्ट को लेकर हो रही गड़बड़ी के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया है कि इस बार 6वें सेमेस्टर की परीक्षाएं शीघ्र संपन्न कराई जाएंगी। इसके लिए 5वें सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, लेकिन रिजल्ट में जो विसंगतियां सामने आ रही हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और 24 अप्रैल तक रिजल्ट की सभी खामियों को दूर कर 6वें सेमेस्टर की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी, जिससे छात्रों को पीजी की परीक्षाओं में एडमिशन में कोई परेशानी नहीं आए। देखिए, हमारा जो 6 सेमेस्टर की परीक्षा है वो हम चुनाव, चूँकि आपका आगामी लोकसभा चुनाव भी है और उसकी वजह से चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, पर छात्र छात्राओं को किसी प्रकार का नुकसान ना हो उसको लेकर विश्वविद्यालय चिंतित है। विश्वविद्यालय चाहता है कि जो परीक्षाएं हैं आगामी 6 सेमेस्टर की परीक्षाएं वो हम समय से करा लें, जिससे कि छात्रों को आगामी पीजी क्लास में एडमिशन लेने में परेशानी ना हो। इसी को दृष्टिगत रखते हुए 5वें सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। कुछ रिजल्टों में छोटी मिस्टेक थी, विसंगतियाँ थी, उनको दूर कर रहे हैं और छात्रों को लगातार जो है, जो बच्चों का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा तभी उसके फार्म भरे जाएंगे और हमने प्रस्तावित किया है एक कार्यक्रम जो 24 अप्रैल से चलेगा
और चुनाव से पहले जो है जो हमारे यहाँ मतदान तिथि है उससे 3 दिन 4 दिन पहले जो है परीक्षा समाप्त हो जाएंगी। तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि बच्चों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। जनकगंज थाना क्षेत्र के तारागंज में बीती शाम एक नव विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवती की 1 माह पूर्व ही शादी हुई थी, उसने देर शाम अपने कमरे में फांसी लगा ली। रात को परिजन जब युवती के कमरे में पहुंचे तब वह फांसी पर लटकी मिली। परिजन तत्काल उसे अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका का पति मजदूरी करता है। पुलिस ने मर्ग कायम कर खुदकुशी के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मैं तो सुबह काम पे गया था, मैं तो श्याम को आया था, मैंने तो देखा श्याम को आया था, तो मैं चाय लेके सीधा ऊपर गया। केवल ऊपर गया तो कुंडी लगी हुई थी, मैंने गेट खटखटाया तो नहीं सुनी, मैंने सोचा सो रही होगी शायद, तो बगल में खिड़की लगी हुई है तो मैंने खिड़की पे आते खोल दी तो मैंने देखा खड़ी हुई थी, तो मैं खड़े गुस्सा हो गई होगी शायद खड़ी हो, तो फिर मैंने गेट खटाया, मैंने कोल वैष्णो भी खोल तो उसने नहीं सुना, मैं पता नहीं क्यों नहीं सुन रही। फिर मैंने नीचे से जाके देखा, मैंने ज़मीन पे पैर थे तो मैं खड़ी है, तो फिर मैं उड़ गया, वो नहीं सुनी। तो मेरे घर के बगल में एक और गेट है, वो क्या है उसमें गेट लगा हुआ नहीं है, उसमें पर्दा लगा हुआ है, मैं उसमें से कूद के चला गया। तब मैंने ये आशा देखा तो मैंने उसे अपनी गोदी में उठा के उसकी गले में जो गठान लगी थी वो गठान खोल के फिर मैंने कुंदी खोली, फिर मैं सब लोगों को इकट्ठा किया। इनके घर में विवाद हो रहा था, जो मेरी लड़की थी उसने फोन ले परसों लड़का लेने आया, इन्हें पहुँचाया नहीं लड़के को, और जब लड़की मार दी तो भी इनने मेरे को खबर नहीं करी कि तुम्हारी लड़की मर गई है, फिर भी इनने मेरे को खबर नहीं करी। हमने शादी नहीं करी थी इनके, वो गब्बर सिंह है ना, उनने लड़की को रखा था, जो मेरी माँ है ना वो उनको लेके आए थे, उनके संग में वो लड़की, मैं दोनों मियाँ भी हम काम पे गए थे, वो लड़की को ले आए बेला फसला के बामौर से, हम लोग बामौर रहते हैं, और फिर यहाँ ला के उनने पहले एक जगह और करी थी गोवा, तो उसके लालच में उसने लड़की ने उनने की मैं शादी नहीं करूँगी यहाँ गोवा में, और क्या कहते वो लड़का मेरी उम्र का नहीं है, तो उस लड़की ने CSP ऑफिस जाके इनके जो सगा आएगा इसको और गब्बर सिंह को जेल में पहुँचवा दिया था, तो इनकी वो रंजिश के कारण इनने मेरी लड़की मरवाई है, इन दोनों घरों की शादी से इनने मेरी लड़की इसलिए मरवाई है गब्बर ने, और जो इनका सगा आएगा और वो जो आकाश लड़की का कोई नहीं लगता, वो है ना डुकरिया जो हमारी माँ आएगी ना, वो उनको वहाँ से ले आया था, उनने अपनी बीवी बना के रखा 3 साल से रख रहा था, तो इन लोगों ने SP ऑफिस रिपोर्ट डाल दी उन्हें कि मैं शादी करना नहीं चाहती इतने उम्र के लड़के से, गोवा में इनने सगाई करी, इनने हमको कोई खबर नहीं दी 3 साल तक है, फिर इनने जहाँ सगाई करी तो हमको बता दिया, और कहने लगे वो सारे इनके हाथ के काम है, इनने जान मान के हमारी लड़की इन दोनों घरों ने मरवाई है, हमको तो न्याय चाहिए हमारी लड़की। ये वैष्णवी कुशवाहा थी, इसकी एक माह पहले शादी हुई थी आकाश कुशवाहा से तारागंज में काला सैयद के पास, तो कल इसने फांसी लगा ली है। अब कारण क्या है वो जांच में मर्ग कायम कर लिया गया है, जांच में जो तथ्य आएंगे वो कार्रवाई की जाएगी, कल वही 6 बजे के बाद बता रहे हैं फांसी लगाई। सूचना तो परिजनों ने दी थी थाने पे, कैसे साहब जी हॉस्पिटल ले गए तो उतार के, तो हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया, घर ले गए तो सूचना मिली, सूचना पर पुलिस आई, पुलिस ने कार्रवाई की है। अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।